नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। पेश है 10 अप्रैल बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबर है। शुरुआत करेंगे देश विदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। कोर्ट बोला केजरीवाल की गिरफ्तारी सही, ईडी ने कानून का किया पालन। दिल्ली में आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को आज शराब नीति के मामले में बड़ी खबर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल ही सबूतों के साथ गिरफ्तारी की गई है, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हाईकोर्ट ने फैसले में सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। इसके साथ ही एएपी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। शराब नीति केस में केजरीवाल का रोल नजर आया है। गिरफ्तारी की टाइमिंग भी सही बताई जा रही है। ईडी के सबूत भी बता रहे हैं कि दस्तावेज और सबूत जो पेश किए गए हैं उससे यह साबित हो गया है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। सरकारी गवाहों के भी बयान लिए जा चुके हैं। वही इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, अब देश के राज्यों के अंदर जेलों में बंद विदेशियों को मिली राहत, फैमिली से कर सकेंगे वीडियो कॉल बात। हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल देश के राज्यों के अंदर आपको बता दें कि विदेशियों को जो जेलों के अंदर बंद है उन्हें बड़ी राहत दी गई है। वो अब जेल से ही सीधे फैमिली से बात कर सकेंगे, वो भी वीडियो कॉल। इस पर आपको बता दें कि कोर्ट ने मुहर लगा दी है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम वज्रलाल का बड़ा बयान का विपक्ष लूट और छूट की दुकान। जनता से काम मांगते मांगते थक जाओगे, हर डिमांड पूरी करूंगा, चाहे मुफ्त बिजली हो चाहे पेंशन हो। सीएम वज्रलाल शर्मा दरअसल प्रदेश के अंदर दौरों पर है, वो इसी दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लूट और छूट की दुकान है, आपका एक एक वोट मोदी और कमल के फूल को पढ़ना चाहिए। सीएम ने कहा है कि हमने जो वादे किए थे उसमें से 45% पूरे कर दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे भाइयों और बहनों, आप गांठ बांध लीजिए, आप मांगते मांगते थक जाओगे, हमारी सरकार मोदी जी की गारंटी सरकार है, हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। चाहे किसानों को बिजली हो, ये बिजली लगातार मुफ्त में मिलेगी। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 12 जिलों में 20 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुएं हुई जब्त। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक कुल 593 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध नकद सामग्री जब्त की गई है, जिसमें ड्रग्स, शराब, दवाएं, कीमती धातु, मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुएं, फिब्रीज आदि जब्त की गई है। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने दी है। गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में आचार संहिता लागू होने के बाद लगभग अब तक ये 593 करोड़ रुपए की जब्ती की जा चुकी है। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के साथ ही राज्य का एक्साइज विभाग तथा नारकोटिक्स एवं आयकर विभाग आदि केंद्रीय एजेंसियां उपरोक्त वस्तुओं की अवैध परिवहन और प्रमुखता से कार्रवाई कर रही है। ये विभाग तथा जांच एवं निगरानी एजेंसियां प्रदेश भर के अंदर कड़ी निगरानी रख रही है और किसी भी संदेहास्पद प्रकरण की सूचना अथवा जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, नॉन स्टॉप बैठकों से सीएम बच्चेलाल की तबीयत हुई खराब। रात 3 बजे बीजेपी प्रत्याशी के साथ प्रभत जन मिलने आए तो बोले एक रात नहीं सोएंगे तो भी सल जाएगा। दरअसल इस समय बच्चेलाल शर्मा एक्टिव मोड पर है, इसी दौरान वो शर्मा फील्ड में उतरे हुए हैं। उन्होंने लगातार नॉन स्टॉप बैठकें की है। इसकी शुरुआत उन्होंने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कर दी थी। लगातार बैठकों के कारण सीएम वज्रलाल शर्मा की अब तबीयत नरम हो गई है और उन्हें उल्टी भी हो रही है, जिसका जिक्र उन्होंने खुद ने किया है। हालांकि इसी बीच सीएम ने कहा है कि प्रभजन इतनी दूर से आए हैं तो जरूर मिलूंगा, साथ ही कहा है कि एक रात अगर नहीं सोएंगे तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक वो होटल में देर रात 3 बजे बैठकें करते रहे। उन्होंने कहा कि गले से बोला नहीं जा रहा है। सीएम वज्रलाल शर्मा ने कहा, अपनी स्पीच में स्पष्ट कर दिया है कि मुझसे गले से बोला नहीं जा रहा है, लगातार सभाओं और मीटिंग के बाद गला भी काम नहीं कर रहा है। मैं होटल में था तभी मुझे बताया गया कि अब बीजेपी पदाधिकारी उनसे मिलने आए हैं, कुछ कार्यकर्ता जो मिलने आए हैं, उन्होंने रात 3 बजे उनसे मुलाकात की है। 3 सालों में बिजली बेचने में राजस्थान को आगे रखेंगे। इसी दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी सरकार किसानों के लिए बिजली और पानी की समस्या को दूर करने के लिए काम कर रही है। आने वाले दिनों में नर्मदा नहर को आगे बढ़ाकर राजस्थान के 50 जिलों में भेजा जाएगा और बिजली के क्षेत्र में भी हम
महंगे दामों में जो बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन आगामी 3 सालों के बाद हम बिजली देश में बेचेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान एसीबी के पूर्व महानिदेशक भाजपा में हुए शामिल, अशोक गहलोत पर निशाना साधा। दरअसल लोकसभा चुनाव से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आईपीएस अधिकारी और राजस्थान एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक बीएल सोनी जयपुर में भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें पार्टी ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक अरुण चतुर्वेदी और पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचरिया ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में राहुल गांधी की होगी एंट्री, 11 अप्रैल को वो करेंगे जनसभा फलोदी में। पीएम मोदी के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 11 अप्रैल को राजस्थान में लोकसभा चुनाव की पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 अप्रैल को ये फलोदी में जनसभा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, एसएमएस स्टेडियम में चप्पे चप्पे पर तैनात की गई पुलिस। पिछली बार विराट कोहली से मिलने घुसा था फैन, अब जीटी और आरआर की प्रैक्टिस में भी अलर्ट रहे जवान। जयपुर से स्वयं मान सिंह स्टेडियम में बुधवार को यानी आज राजस्थान रॉयल्स आरआर का मुकाबला गुजरात टाइटंस जीटी से होगा। इस मैच में राजस्थान की टीम अपनी जीत बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम राजस्थान को हराकर पॉइंट्स टेबल में बढ़त हासिल करना चाहेगी। इसके लिए उन्होंने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने स्वयं मान सिंह स्टेडियम में जमकर नेट प्रैक्टिस की है। इस बार ग्राउंड की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। प्रैक्टिस के दौरान लोगों की एंट्री बंद रखी गई है। दरअसल पिछली बार प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली को देखने में बड़ी संख्या में लोग स्टैंड में घुस गए थे। वहीं मैच के दौरान एक फैन विराट कोहली से मिलने के लिए ग्राउंड में पहुंच गया था, जिसके बाद इतनी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मोदी के खिलाफ वोट डालने वाले देशद्रोही बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का विवादित बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आचार संहिता के बीच राजस्थान में झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ वोट डालने वाले देशद्रोही हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रही है कि जो हिंदू है, जो धार्मिक है, जो मोदी के खिलाफ चुनाव में वोट डालता है, जो कमल के फूल के सिवाय किसी और का बटन दबाता है, वो इस देश का देशद्रोही है। वायरल वीडियो उदयपुर वाटी नगरपालिका क्षेत्र का है। झुंझुनू के बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने अपना यह बड़ा बयान दिया है, जो कि विवादित माना जा रहा है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, मिलेगा सवैतनिक अवकाश। आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भीषण गर्मी पड़ने से दूध के दामों में आ सकता है उबाल, कई % हो सकती है दूध के अंदर दामों के अंदर वृद्धि। राजस्थान में आमतौर पर गर्मियों में दूध का उत्पादन घट जाता है, लेकिन इस बार दूध उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इस साल भयानक लू चलने की आशंका जताई है। जानकारों का कहना है कि लू चलने और जलाशयों के सूखने से मवेशियों के लिए चारे और पानी की किल्लत हो सकती है। इससे आने वाले दिनों में दूध का उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे दूध की कीमत में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खैर नहीं। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने फर्जी दस्तावेज से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र जारी करवाने के मामले सामने आने से सबक लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस थानों में मामला दर्ज करवाने के आदेश जारी किए हैं, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। आईडी पासवर्ड बदलने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ईद 11 अप्रैल को मनाई जाएगी, जयपुर में जामा मस्जिद के इमाम ने किया ऐलान। ईद का चांद नहीं नजर आने के कारण अब ईद 11 अप्रैल को होगी। दरअसल जामा मस्जिद जौहरी बाजार जयपुर में मरकजी हिलाल कमेटी की बैठक हुई। इसमें जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने ऐलान किया कि पूरे देश में कहीं भी चांद नजर नहीं आया। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि 10 अप्रैल को रमजान के 30 दिन हो गए, 11 अप्रैल ईद मनाई जाएगी। 11 अप्रैल को जामा मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 7 बजे अदा की जाएगी। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के अंदर पहली बार सोने चांदी की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। इतिहास में पहली बार 73,000 के पार पहुंचा सोना, चांदी 84,000 रुपए हुई किलो। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सदराई मंदी का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। इसकी वजह से नवरात्रि के पहले दिन सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेज की गई है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत इतिहास में पहली बार 73,000 रुपए को पार कर गई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 84,000 रुपए पर पहुंच गई है। राजस्थान के सरभा व्यापारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 75,000 रुपए तक और चांदी प्रति किलो की कीमत 90,000 रुपए को पार कर सकती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर,
बुधवार को सीएम अजय शर्मा की होगी दमदार एंट्री दौसा के अंदर, जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र में आज लगातार भाजपा कांग्रेस की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की जा रही है। इन जनसभाओं के बीच आज 11 अप्रैल को दौसा में सीएम अजय शर्मा की दमदार एंट्री होने वाली है। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, ऑटो मोड में प्रदेश का वित्त विभाग बिना आवेदन के कर्मचारी के खाते में डाली स्टेंट इंश्योरेंस की राशि। वित्त विभाग कितने काबिल अफसर चला रहे हैं इसका एक और नमूना सामने आया है। मार्च महीने का वेतन कर्मचारियों के खाते में दो दो बार डाला ही गया और अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जब कर्मचारियों के आवेदन किए बिना ही उसके खाते में स्टेंट इंश्योरेंस के लोन की राशि डाल दी गई। उक्त मामला ऐसा ही लोन 2022 में रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन 2024 में ऑटो पेमेंट से उसी कर्मी के खाते में लोन की राशि डाल दी गई। दरअसल वित्त विभाग इस वक्त ऑटो घोटाला मोड पर चल रहा है। रोज नई गड़बड़ी सामने आ रही है, नए तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। कर्मचारियों को दोहरे भुगतान के बाद अब उनके खातों में बिना आवेदन के स्टैंड इंश्योरेंस का लोन पेमेंट डाला जा रहा है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, ये अफसरों की गलती की गाज, कर्मचारियों पर रिकवरी होने तक आगामी वेतन पर लगी रोक। सरकार में पेमेंट सिस्टम और सेंट्रलाइज करने और IFMS 3.0 सिस्टम की गड़बड़ी के चलते हजारों कर्मचारियों के खातों में दोहरा वेतन चला गया है। ये राशि कई करोड़ों रुपयों में है, जिसका नुकसान न सिर्फ सरकार को हुआ है बल्कि कर्मचारियों के टैक्स कटौती भी इसका कारण बन गई है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को बिना गलती किए इसके एक और भी नुकसान उठाने पड़ेंगे। वित्त विभाग स्तर पर निकाले गए एक इंटरनल आदेश के अनुसार जब तक दोहरे वेतन की रिकवरी कर इसका सालान कोषालय में जमा नहीं करवाया जाएगा तब तक कर्मचारियों के आगामी वेतन पर रोक रहेगी। यानी इसका सीधा खामियाजा कर्मचारियों को भी भुगतना पड़ेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में बजरी के लिए हो सकती है परेशानी। सह जिलों में लीज सरेंडर कर रहे हैं मालिक, अपने ही विभाग से हो गए परेशान, सरकार ने कोई बात नहीं की। राजस्थान में बजरी खनन के 8 लीज होल्डरों ने समय से पहले अपनी लीज को सरेंडर कर दिया है। इसके जिलों में सह जिलों के अंदर बजरी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल विभाग की अनावश्यक कार्रवाई और अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान लीज धारकों ने पिछले दिनों विभाग को पत्र लिखा था। इसमें लीज को निरस्त करने और जमा सभी राशि को सिक्योरिटी मनी को लौटाने की मांग की है। खास बात यह है कि सरकार ने अपने लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजरी के दामों को लेकर कोई बात नहीं की है, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन बजरी के दामों को लेकर किसी ने अब तक कोई बात नहीं की है। राजस्थान में इतने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, करीबन 267 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बजरी के दामों को लेकर कोई बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इधर आपको बता दें कि बजरी सह जिलों के लिए परेशानी बन चुकी है। राजस्थान में बजरी के लिए अब परेशानी बढ़ सकती है, सह जिलों के अंदर लीज सरेंडर कर रहे हैं मालिक। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आम खबर आए स्काईटेमिट का अनुमान, इस साल राजस्थान में मानसून सामान्य से ऊपर, राजस्थान MP समेत 23 राज्यों में अच्छी बारिश का अनुमान, BR सहित 4 राज्यों में कम बारिश जतेगी। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 महीने की बारिश के बाद यानी सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते मानसून की वापसी हो जाती है। हालांकि IMD ने इस साल के लिए मानसून की भविष्यवाणी अब तक जारी नहीं की है, एजेंसी मई में इसे जारी करेगी। इधर राजस्थान में अच्छी बारिश का अनुमान IMD ने जताया है। बता दें कि राजस्थान में 13 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग को लेकर यह सबसे बड़ी खबर हमने आपको दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट बोले 400 पार सीटें तो राजीव गांधी के पास भी थी, कभी नहीं कहा कि भाजपा मुक्त देश बनाएंगे, डीग में उन्होंने किया संबोधन। सचिन पायलट ने कहा है कि 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी क्यों मांग रही है, ये लाकर क्या करना चाहती है। 400 से ज्यादा सीटें लाकर कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि वो देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा नारा लगा रही है, इसीलिए अब बदलाव जरूरी है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।